आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू, जो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और एकदम परफेक्ट बने हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। इनको बनाना बहुत ही सिंपल है और एकदम कम घी में मैं इनको बनाऊँगी। आओ देखते हैं ये सिंपल सी रेसिपी। मैं लूँगी 2 चम्मच घी के, ये बड़े चम्मच से लिए हैं मैंने। और घी को मेल्ट होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन। मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हम बेसन भुनेंगे उसे हम एकदम सिम आंच पे ही भुनेंगे, जिससे कि इसकी सौंधी सौंधी खुशबू और बहुत ही अच्छे से ये भुन जाता है। बेसन हमेशा एक चीज़ का लड्डू बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि बेसन हमें एकदम सिम आँच पर ही भुनना है। इसको भुनने में मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं। ये देखिए हमें जब बेसन के लड्डू बनाने होते हैं तो बहुत पेशेंस के साथ हमें बेसन को भुनना होता है। ये देखिए ये अच्छे से भुन चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच घी का और 3 से 4 इलायची कूट के ऐड करूंगी, जिससे कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आए। और अब मैं इसको फिर से 4 से 5 मिनट सिम आंच पे भूनूंगी। मैंने लगभग इसमें 3 बड़े चम्मच घी का यूज़ किया है। ये देखिए बेसन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में ले लूँगी ठंडा होने के लिए। हल्का सा ठंडा करेंगे। मुझे इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लग रहा है, तो मैं अभी क्या करूँगी, 1/2 कटोरी बेसन का और भुनूंगी एकदम सिम आंच पे, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। इतनी देर में मेरा बेसन भी भुन जाएगा। ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, जो मैंने लास्ट में घी ऐड किया है उतना ही इसमें एक्स्ट्रा घी हो गया है। आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन जो मैंने भुन लिया था। पहले मैं इसमें 2 स्पून ही ऐड करूँगी, 2 से 3 स्पून। उसके बाद अगर मुझे फिर भी घी ज़्यादा लगेगा तो इसमें और ऐड कर लूँगी। वैसे हम इतने घी में भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि वो थोड़ा सा लड्डू हमारे जीभ में चिपकते हैं अगर हम इतने घी में बनाएंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है और इसमें डाला है मैंने चीनी का बूरा। आप चाहें तो तगार बना के भी डाल सकते हैं। मैंने 2 कटोरी बेसन पहले लिया था और 1/2 कटोरी बाद में, तो 2.5 कटोरी बेसन में मैंने 1.5 कटोरी चीनी का बूरा डाला है। आप चाहें तो 2 कटोरी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मीठा कम खाते हैं इसलिए मैंने 1.5 कटोरी चीनी ही डाला है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और हम अब इसे हल्के गुनगुने में ही इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए अभी एकदम परफेक्ट बन रहे हैं। आप उतने ही घी के साथ भी बना सकते थे, लेकिन जब हम वो ज़्यादा घी के साथ लड्डू बनाते हैं तो हमारी जीभ पे चिपकने लगते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन रहे हैं। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना दिए हैं। एकदम परफेक्ट बने हैं। और आप थोड़ा सा जैसे गर्म रहता है उसी टाइम पे सारे लड्डू बना दीजिएगा, क्योंकि ठंडे होने पे इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।